हाँ जी, क्लास 12th, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं सर। चैप्टर 2 बहुत अच्छे से चल रहा है और हमने गुडविल पूरा खत्म कर लिया है। सारे कंसेप्ट गुडविल के देख लिए हैं, बस अब बारी आ चुकी है उस गुडविल को जो हमने कैलकुलेट किया था उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो आइए आपको आज ही चैप्टर 2 के साथ 3 और 4 यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के कंसेप्ट को भी क्लियर कर देते हैं। ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्प करेगी एक ऐसे कंसेप्ट के साथ जो शोर शोट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें मोटिवेट करते रहना। सो बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि यही ट्रीटमेंट चैप्टर 2 में भी है, चैप्टर 3 यानी एडमिशन में भी है और चैप्टर 4 यानी रिटायरमेंट एंड डेथ में भी है। तो सारी जगह ये काम आने वाला है और 6 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन में ये ट्रीटमेंट आता ही आता है। तो कोई बात नहीं सर, करते हैं फिर इसको समझते हैं। सो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेंगे तीनों केसेस में, चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो रिटायरमेंट और डेथ में कुछ अलग नहीं है, एक में बंदा अपनी इच्छा से जा रहा है, दूसरे में प्रभु इच्छा से जा रहा है, बस जा तो रहा ही है ना, इसलिए मैंने एक ही जगह लिख दिया है, ठीक है। तो तीनों के केस में जो हमने गुडविल कैलकुलेट की है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, आइए उसको समझ लेते हैं। तीनों के केस आपके लिए रेडी हैं, समझते हैं। चलिए पहला केस है मेरा, कौन सा, चेंज इन पीएसआर का। उसमें हमने केस लिया कह रहा है ए एन बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है, 3:2 है। फ्रॉम 1st अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू चेंज इट टू इक्वल, यानी जो नया पीएसआर है वो हो गया 1:1, ठीक है। और उस दिन जिस दिन हमने ये डिसाइड किया, गुडविल की वैल्यू गिवन है हमें 50,000 रुपीज, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो चाहे ये गिवन है या आप अज्यूम कर लो हमने यही कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेटेड है हमारे लिए, ठीक है। इस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है आपको, आइए उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन चेंज इन पीएसआर, क्या है ये चेंज इन पीएसआर, ओके सर चलिए करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो हम लोगों ने इजी वे में कैसे अपने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीख लिया था, तो बस सबसे पहले वही काम करते हैं। देखो एक बात समझना बेटा यार, पहले जो ये शेयर था 3:2 था, इसका मतलब अब जब इक्वल हुआ है तो कहीं ना कहीं एक पार्टनर ने दूसरे से वो परचेज ही किया है। देखो शेयर परचेज किया तब जाके वो इक्वल हुआ, एक के लिए इंक्रीज हुआ होगा, एक के लिए डिक्रीज हुआ होगा, आई बस समझ में, तो वही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए देखो हमारे पास, हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो, क्या निकाल रहे हैं हम, गेनिंग रेशियो होता क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओके सर चलो। ए के लिए और बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, ए का न्यू रेशियो क्या है 1:1 हो गया, तो 1:2 हो गया, ओल्ड रेशियो क्या था 3:5, सेम बी के लिए क्या है 1:2 माइनस ओल्ड क्या था 2:5। चलिए तो यहां पे क्या हो गया, एलसीएम हो गया मेरे लिए 10, ठीक है, तो 5 माइनस 6 यहां पे मेरे लिए एलसीएम हो गया 10, यहां पे क्या हो गया 5 माइनस 4, इसका मतलब यहां पे आ रहा है मेरा -1/10 और यहां पे आ रहा है मेरा 1/10। हमने निकाला क्या है, गेनिंग रेशियो, तो इसका मतलब मेरे लिए यहां बी ने गेन कर लिया और ए ने सेक्रीफाइस कर दिया क्योंकि वो नेगेटिव है, आई बात समझ। इसका मतलब क्या है, बी ने, जो पार्टनर बी है, इन्होंने ए से 1/10 शेयर परचेज किया है, तभी तो ए ने 1/10 शेयर लूज किया है, आई बात समझ में यहां तक। तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपीज है। तो बेटा गुडविल अब जब 50,000 है तो एक गेन कर रहा है दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको हमें कैसे ट्रीट करना है, जो गुडविल का शेयर है ना जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग को दे देगा कि भाई आपको गुडविल का तो नुकसान ना हो, एटलीस्ट जो आपका गुडविल का शेयर एक्स्ट्रा बनता है वो मैं आपको पे कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा वो, आइए तो एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री, पहले जर्नल एंट्री जनरल वे में बता देता हूं फिर इस केस के अकॉर्डिंग बता देता हूं, ठीक है। जो पार्टनर पे करेगा उसकी कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट, गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी मेरी। तो इस केस में, केस वन में गेन किसने किया, बी ने, तो एंट्री हो जाएगी बीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लूज किसने किया, ए ने, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा बेटा, 1/10 गेन है, 1/10 सेक्रीफाइस है, गुडविल कितनी है 50,000 रुपीज की, तो कितना हो जाएगा मेरा 5,000 रुपीज। दिस विल बी योर जनरल एंट्री या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। आई बात समझ में सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले केस की तरफ चलते हैं। ओके चलिए बात करते हैं केस टू की। केस टू क्या है मेरे पास, ये है एडमिशन का केस। किसका केस, एडमिशन का केस। क्या बोला है, ए एंड बी पार्टनर्स है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल 1:1। 1 अप्रैल को इन्होंने सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर और न्यू पीएसआर हो गया मेरा 3:2:1, ठीक है, और उस दिन गुडविल है 60,000 रुपीज की। आई बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। देखो इसके मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, मैं आपको अभी एक जनरल ट्रीटमेंट बता रहा हूं, वो जनरल ट्रीटमेंट क्या होगा उस पर आपको ध्यान रखना है। इस केस में एडमिशन में हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो कैसे कि भाई वो कैश ला रहा है नहीं ला रहा है वो सेकेंडरी है, ठीक है, अज्यूमिंग कि अभी पे करना है कैश में तो वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम फर्दर दोबारा से उठाएंगे चैप्टर 3 में, बट मैं आपको एक जनरलाइज्ड वे में समझा रहा हूं। चले आगे, क्वेश्चन है, हमें समझ आ गया 1:1 से 3:2:1 हो गया। चलिए ध्यान से समझते हैं, सिमिलर काम करना है हमें, इसके लिए भी हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आपको इतना ही समझना है, ठीक है। तो हमारे लिए ए बी है और एक सी है, इसको तो जो मिला वो उसका गेन ही है, इसका मतलब इन दोनों में से या तो दोनों ने सेक्रीफाइस किया हुआ है, कोई हो सकता है एक सेक्रीफाइस कर रहा हो दूसरा भी गेन कर सकता है, ये केसेस हो सकते हैं। अभी हम जनरल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। ए का न्यू रेशियो 3:6 माइनस ओल्ड रेशियो 1:2, बी के लिए 2:6 माइनस 1:2, और सी का तो है ही हमारे पास 1:6, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात समझो, इन्होंने कितना सेक्रीफाइस या गेन किया वो देख लेते हैं। ए के लिए एलसीएम हमारा 6 हो गया, 3-3 0, इसका मतलब ए को कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब जो भी सेक्रीफाइस हुआ है वो बी के थ्रू हुआ है, इसका मतलब जो बी सी को मिला है वो बी से ही आया है, तो यहां पे आ जाएगा मेरा 6:2-3 दैट इज -1:6, इसका मतलब ये है मेरा सेक्रीफाइस और ये तो है ही गेन, ठीक है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, अज्यूमिंग कैश आया है और वो सब चीजें हो रही हैं। अभी हम यही काम कर रहे हैं, केस चैप्टर 3 के कुछ केसेस हैं उसमें आप आगे पढ़ना, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 60,000 इंटू 1:6 दैट इज 10,000 रुपीज, दिस विल बी योर जनरल एंट्री, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए केस 3 की बात कर लेते हैं फिर। केस 3 क्या है, रिटायरमेंट डेथ का, अभी हमने रिटायरमेंट लिखा है, डेथ में भी सेम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एबीसी पार्टनर्स है, पीएसआर है 3:1, ठीक है, 1 अप्रैल को सी ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो जाएगा फर्म से और फ्यूचर में ए और बी इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट्स, ठीक है। अब एक पार्टनर जा रहा है तो उसको तो लूज करना ही पड़ेगा अपना शेयर, वो दे के जाएगा किसको, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को जो अब कंटिन्यू करेंगे हमारी फर्म में, तो उनको गेन होगा, हो सकता है दोनों को, हो सकता है एक को और हो सकता है एक आधा सेक्रीफाइस भी कर दे उस केस में, तो वो सब चीज हो सकती है। गुडविल है हमारी 60,000 रुपीज, कैलकुलेट कर लेते हैं इनके लिए भी, वही गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ए बी, ठीक है, सी का 1:6 था जो वो लूज कर रहा है, ठीक है, तो ए का जो न्यू रेशियो है वो 1:2 हो जाएगा, ओल्ड रेशियो 3:6 था, बी का 1:2 माइनस 2:6, देखो इस केस में भी जीरो है, इसका मतलब ए को यहां पे भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, जो बेनिफिट होगा वो बी को होगा, और वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 1:6 ही, ठीक है, 3-2 दैट इज 1:6, और जो सी लूज कर रहा है 1:6, ठीक है, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अब सी जा रहे हैं तो सी को पे करना पड़ेगा, पे कौन करेगा, इन्होंने जो गेन किया है यही करेंगे, ठीक है, तो बी पे करेंगे सी को, जो पे करेगा उसकी कैपिटल को कर देंगे डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट,
अमाउंट वही सेम रहेगा, 1/6 × 60,000, दैट इज 10,000 रुपीज। दिस विल बी योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर ऑल द थ्री केसेस। आई पास समझ में? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं रही होगी, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। कीजिए इसको अटेम्प्ट, मिलते हैं नई वीडियो में। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप भेज सकते हो। बाय, टेक केयर।